मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनको याद किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि बाबा साहेब के पंचतीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैतन्य भूमि जहां अंतिम संस्कार हुआ, इन पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अन्य घोषणाएं भी की। मित्रों, आज भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और हमने ये फैसला किया है कि पंचतीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहां अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मुझे कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहब का स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला। पंचतीर्थ का निर्माण और वहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसके लिए उनके मार्गदर्शन में काम हुआ और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंचतीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है, पंचतीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। कई दिनों से वह मांग थी, स्मारक तो हमने बना दिया लेकिन वहाँ कोई एक अच्छी धर्मशाला, क्योंकि जब उनके अनुयायी आते हैं, प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में आते हैं, पहले आते थे तो रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं रहती थी, स्टेशन पर उतरते थे और अपने हाथों में सामान लेके अपना भोजन भी साथ लाते थे। तब हमने कई वर्षों पहले तय किया था कि डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा, आने वाले सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी बेहतर व्यवस्था करेंगे। तब से हमने करना प्रारंभ किया और अब चूंकि महू की जमीन हमारी सेना के पास थी, वहाँ और कोई जगह मिल नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेना की एनओसी मिल गई है 3.5 एकड़ जमीन के लिए। उस 3.5 एकड़ जमीन को हम संबंधित समिति को लीज पर देके, डॉक्टर बाबा साहब मेमोरियल समिति को, वहाँ भक्तों के, श्रद्धालुओं के रुकने की, ठहरने की और जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ करनी हो समिति के साथ मिलके, वो भी की जाएगी। आज मैं फिर एक बार बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो संविधान निर्माता है और हम सब संविधान के अनुसार शासन चलाने का काम कर रहे हैं।